मॉर्निंग गाइस, तो देखिए मैंने गोभी का पराठा और धनिया और टमाटर की चटनी बनाई है, जो ठंड के सीजन में बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैं गोभी को देखिए बारीक काट ली, उसमें बारीक बारीक प्याज काट ली, टमाटर, नमक, चाट मसाला, ये सब जितने मसाले होते हैं ये सब डाल दीजिए। उसमें देखिए मैंने आटा निकाल के, यहाँ आटा मैंने लगा लिया है पराठे के लिए। अब एक जार में मैं क्या करूँगी, टमाटर, धनिया, मिर्चा, जीरा, नमक, ये सब लेके अच्छी से चटनी स्पाइसी पीस लूँगी। तो देखिए मैं चटनी पीस रही हूँ, तो देखिए मेरी चटनी बारीक पीस गई है। इसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी, इससे क्या नाम है, चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो अब जो मैं स्टफ बनाई थी गोभी का, उसमें मैंने पराठे में भर लिया, आटे में भर के देखिए गोल गोल पराठा बना लिया। तवे पे डाल के सेक रही हूँ, घी लगा के करारे करारे सेक रही हूँ। तो गोभी का पराठा अगर आपको बनाना है तो उसका रस, जो रस होता है, पानी होता है, पहले ही निकाल लीजिए कपड़े से। तो इससे आपके पराठे फूलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और काफ़ी टेस्टी बनेंगे, अच्छे से बेल जाएंगे। देखिए करारे करारे बन रहे। तो आप लोग भी जाइए और जल्दी से बनाइए। अगर मेरी रेसिपी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।